हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो इंडेक्स नंबर में आप थियरी पढ़ चुके हो। थोड़ा सा लास्ट टाइम बोरिंग था पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा और हो भी चुका है, आप लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है। आज बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड इंडेक्स नंबर। अब जो सम दो मैंने लिए ना, उसमें कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वेटेड एवरेज मेथड करो स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए हाँ ये वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने लिया है, एक्सरसाइज वन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 10, जो मार्च 20 में आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ थ्री आइटम्स आर, मोस्ट आईएमपी पॉइंट जो इसमें समझना है वो द परसेंटेज इंक्रीज किसमें इंक्रीज भाई, प्राइस रिलेटिव ऑफ थ्री आइटम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक तो इंक्रीज हुआ है, किसमें इंक्रीज हुआ है, प्राइस रिलेटिव में। अब सोचो इंडेक्स नंबर मींस रिलेटिव चेंजेस, अब रिलेटिव चेंजेस में एडिशन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिलेटिव मतलब इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज यहां पर बड़ा है। तो पहले मान लो 100 था और अब इंक्रीज हुआ है, इसको हम बराबर समझ लेंगे। तो देखो मान लो पहले 100 था, अब इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव में थ्री आइटम्स में, 1, 2, 3 आइटम्स में इतना इंक्रीज हुआ है। तो मान लो 100 था, प्लस कर दो, प्लस 315% 328% परसेंटेज, प्लस 390% इतना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज यानी मैंने प्लस कर दिया, सिंपल है। और आंसर क्या आया सर, 100 प्लस 315% आंसर 415, 100 प्लस 328% 498, 100 plus 390%, 490। क्या दिया है सर जी, इफ द इंपोर्टेंस ऑफ दिस आइटम्स हैज रेशियो 5:7:8, इंपोर्टेंस ऑफ दिस आइटम, ये आइटम का इंपोर्टेंस वेट दिया हुआ है, वो है हमारा 5, 7, 8, ये इंपोर्टेंस दिया हुआ है। इंपोर्टेंस मतलब वेट। और आगे बोला है फाइंड जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, कहीं नहीं बोला वेटेड, लेकिन पता चला सर इंपोर्टेंस दिया है, इंपोर्टेंस मतलब वेट, तो वेटेड ही तो होगा। तो ये इंडेक्स नंबर है आई, ये है डब्ल्यू वेट, सिग्मा आई डब्ल्यू करने के लिए आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करो, इसका टोटल करो सिग्मा आई डब्ल्यू। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये है इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। जहां पे वेटेड करना है ऐसा करना पड़ेगा। अब सिग्मा आई डब्ल्यू, तो आई और डब्ल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 415 × 5 ये आएगा, 428 × 7 ये है, 490 × 8 ये है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन टोटल सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये 7 + 8 = 15, 15 + 5 = 20, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू 20, सिग्मा आई डब्ल्यू इज इक्वल टू 8191। फॉर्मूला में डाल दो 8191 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू 20, आंसर आएगा 409.55। इंडेक्स नंबर दे यार, सम खत्म। अब यहां पे कहीं नहीं लिखा था वेटेड, वेटेड एवरेज फाइंड करो, लेकिन वेटेड करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्टेंस ऑफ दिस आइटम गिवन। सेम वे दूसरा सम, एक्सरसाइज 1.3 सम नंबर 2 अगस्त 20 में दिया गया है, अगस्त 20 में पूछा था ये सम। उसमें क्या दिया है, आइटम्स के नाम दिए हैं,
उसके वेट दिए हैं। अब देखो वेट दे दिया यानी डब्ल्यू दे दिया, डब्ल्यू दे दिया यानी काम हो गया, पता चल गया वेटेड मीन है, सॉरी वेटेड इंडेक्स नंबर है। अब प्राइस ऑफ 2014, प्राइस ऑफ 2015 लिखा क्या है, फाइंड इंडेक्स नंबर फॉर 2015 बाय टेकिंग 2014 एज अ बेस, यानी 14 का बेस लेके 15 में इंडेक्स नंबर फाइंड करो। अब वेट दिया है तो वेटेड इंडेक्स नंबर ही तो होगा, बोला नहीं है, समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आई, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आई इतना तो दिया है, हमको ढूंढना है आई। आई मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100, आपको पता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो वही तो है, करंट ईयर 15, पास्ट बेस ईयर 14, इसके बेस पे करना है, तो करंट डिवाइड बाय बेस इंटू 100, 24 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, आंसर है 80, 24 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, आंसर है 120, 70 करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर 50 इंटू 100, आंसर 140, 40 अपॉन 32 इंटू 100, आंसर 125, 48 अपॉन 40 इंटू 100, 120, 24 अपॉन 16 इंटू 100, 150, ये क्या मिले आई। अब इंडेक्स नंबर के लिए जैसे यहां था, यहां पे भी आई एंड डब्ल्यू मल्टीप्लिकेशन, 17 इंटू 80 ये आएगा, 15 इंटू 120 आएगा, 22 इंटू 140, ऐसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये मिलेगा। ये सब का टोटल करो सिग्मा आई डब्ल्यू, डब्ल्यू का टोटल करो सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू मीन्स 12380 अपॉन 100, आंसर इज 123.8, ये है इंडेक्स नंबर। तो क्या सीखे, नया टॉपिक वेटेड एवरेज मेथड है क्या, बहुत आसान है, लिखा नहीं है फिर भी समझना है। अब स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में से ढूंढ लो कितने आपको आते हैं, प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे दूसरे सम मैं करवाऊंगा और शायद वो सम करके आपका सब क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यही टॉपिक के साथ, लेकिन सम्स अलग। बाय बाय।